नमस्कार, मैं रचना स्वागत करती हूँ आपका फिटनेस एंड रिदम में। योग आसन या कोई भी एक्सरसाइज या तो सुबह करना चाहिए या शाम को खाली पेट, लेकिन फिर भी एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, जिसे कहते हैं वज्रासन। तो देखते हैं कैसे करते हैं उसकी विधि और फिर जानेंगे उसके कुछ फायदे। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। अब अपने एक पैर को, अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए पीछे लेकर आए और पैर के ऊपर बैठते हुए धीरे धीरे दूसरे पैर को भी मोड़कर पीछे लेकर आए। दोनों हाथों को घुटनों पर लगाएं, अपनी रीढ़ को सीधा रखें, अपने हाथों को सीधा रखें और इसी स्थिति में कुछ देर बैठें, जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर बैठें। अब वज्रासन में बैठते समय कई बार ये गलती करते हैं कि पैरों को ऐसे क्रॉस कर लेते हैं और फिर बैठते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। कई लोग ऐसे हील्स को अंदर की तरफ रखते हैं और उस पर बैठते हैं। ये करने से बहुत ज़्यादा प्रेशर एंकल जॉइंट यहाँ पर आने लगता है, जो बहुत आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए जब भी बैठना है वज्रासन में, दोनों पंजों को पास में रखेंगे, दोनों हील्स को बाहर की तरफ खोलेंगे और बीच में बैठने की कोशिश करें। अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें। इस तरह से बैठकर, वज्रासन में बैठकर हम बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा लाभ होता है पेट से जुड़े हुए रोगों में। वज्रासन अगर करते हैं तो जिन्हें वायु का दोष है, जिन्हें गैस बहुत बनती है, जिनके खाना ढंग से नहीं पच पाता है, जिन्हें भूख नहीं लगती है, जिन्हें कब्जियत होती है, इन सब रोगों में वज्रासन बहुत फायदा करता है। हम और भी आसन करें उससे पहले, अगर हम सबसे पहले वज्रासन का प्रयोग शुरू करते हैं तो इन बीमारियों में लगभग 50% का फायदा हमें इसी से होने लगता है। तो खाना खाने के बाद दोनों समय कम से कम 10 मिनट, और अगर आप कर सकते हैं तो अपनी क्षमता को बढ़ाकर इसे ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। अगर आपसे शुरुआत में ये नहीं होता है तो सिर्फ 30-30 सेकेंड से शुरू कीजिए, उसे धीरे धीरे 1 मिनट तक लाइए, 2 मिनट तक लाइए और बढ़ाते बढ़ाते आप इसे 10 से आधे घंटे तक कर सकते हैं। जब हमारा खाना पेट में जाता है तो उसे पचाने के लिए ब्लड को ज़्यादा पेट की तरफ आना चाहिए, जिससे खाना अच्छे से पच सके। अगर हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारे पैरों वाला एरिया लॉक हो जाता है, यहाँ पूरा बंद लग जाता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ ज़्यादा तरफ रहता है, तो ब्लड पेटों पेट की तरफ ज़्यादा आता है और खाना अच्छे से पच पाता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो थोड़ी सी देर बैठें या आराम करें, कुछ हैवी वर्क ना करें। तो आप सभी इस बात का ध्यान जरूर रखें और इस बात को अमल में लाएं कि दोनों वक्त खाना खाने के बाद कुछ समय वज्रासन में अवश्य बैठें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को फैलाइए। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।